मेरे साथ में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मौजूद हैं और आप एक, एक तस्वीर देखिए इनको गोली लगी है घायल हुए हैं उसके बाद भी सुबह उठकर के देखिए ये सब मिलने वाले लोग आए हुए हैं और दूर दूर से लोग आ रहे हैं इनका हाल समाचार जान रहे हैं और और मैं रास्ते में रास्ते में मैंने देखा कि उधर से भी आने जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ हैं उनसे बातचीत करते हैं चंद्रशेखर भाई ये सभी के लिए हैरानी का सबब है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो खतौली के पास भी हम लोग रुके वहां भी चर्चा हो रही थी कि, कि कोई गोली चंद्रशेखर आजाद में कैसे चला सकता है क्या आपको क्या लगता है अभी तक आप यहीं पर हैं, घर पे ही हैं, अपने क्या अभी तक इनपुट आपके पास आया है ये हुआ क्या है देखो मैं मुझे भरोसा है पुलिस की जांच पे कि पुलिस जो जांच कर रही है और एक अच्छे अधिकारी हमारे यहाँ है पुलिस के तो वो सही चीजों तक पहुंचेंगे मैं भी ये जानना चाहता हूं कि वो कौन है जिसे मेरी जान से मुझसे भी ज्यादा प्यार है, जो मेरी जान लेने के लिए जिसने इतना बड़ा प्रयास किया उसके पीछे कौन लोग हैं मैंने मैं हमेशा कमजोरों की लड़ाई लड़ता रहता हूँ अगर मेरे न्याय दिलाने से कमजोर किसी को तकलीफ हो सकती तो वो वही हो सकता है अब मैं समझता हूं ये लोकतंत्र है आप वैचारिक विरोध कर सकते हैं आप तार्किक विरोध कर सकते हैं लेकिन अगर आप गोली से बात करोगे तो ये तो सही नहीं आपने एक बड़ी बात कही कि आपको पुलिस की जांच पे भरोसा है चंद्रशेखर आजाद का ये कहना एक बहुत बड़ा मैसेज देता है पुलिस की जांच पे भरोसा है देखिए मैं अधिकारियों को जानता हूँ मैंने बहुत सारे अधिकारी देखे हैं उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं मेरा ये मानना है कि एक अच्छे अधिकारी हमारे यहाँ हैं और उनको वो जांच को सही दिशा में लेके जाएंगे मुझे भरोसा है बड़ी बात आपने की दूसरी बात ये बताइए कि आपको ये आपके जो चाहने वाले हैं आपके जो मानने वाले हैं वो समझना चाह रहे हैं कि ये कहाँ आपको गोली टच करते हुए गुजरी हुआ क्या एग्जैक्टली थोड़ा आप अगर समझा सकें अभी भी आप यहाँ ठीक से बैठ नहीं पा रहे मैं देख रहा हूँ बड़ी मुश्किल से आप यहाँ ये सहारा लेकर के बैठे हुए हैं ये हुआ क्या था पूरा चंद्रशेखर भाई मैं दिल्ली से वापस आ रहा था घर पे और मेरे एक साथी अजय उनकी माता जी की डेथ हुई एक दिन पहले मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी मुझे मगर ये था कि किसी के सुख में ना जाओ लेकिन दुख में जाना चाहिए तो मैं उनके परिवार में दुख में शामिल होने के लिए गया जैसे वहां से निकला मुश्किल से पचास मीटर चलाऊंगा कांच पे के साथ गोली टकराई और कांच ब्लास्ट हुआ और वो आके मुझे यहाँ सर के पास मुझे लगा कि किसने पटाखा छुटा है उसके कुछ कर्ण हो सकते हैं शुरू में आप समझ नहीं पाए कि ये फायरिंग हुई लेकिन जैसे दूसरी गोली मुझे लगी गेट को चीट दी हुई यहाँ आ गई यहाँ पर अभी भी मैं देख रहा हूँ ये पट्टी बंधी हुई है तो ये जब यहाँ लगी तो मुझे एहसास हुआ कि हम घिर गए गोली चल रही सेकेंड फायरिंग पे आपको ये लगा कि ये फायरिंग हो रही है चार फायरिंग उन्होंने हमारी गाड़ी में की हमारे पीछे के एक साथी सुखविंदर को गोली पैर में लगी है एक डॉक्टर साहब थे उनको कांच लगा और मुझे जब मैंने मनीष चला रहे थे मैंने उनसे कहा कि गोली चल रही है तो वो थोड़ा सा एक घबराए एकदम से अचानक से ऐसा हमला होना कभी उम्मीद नहीं की थी सुना था पिक्चरों में टीवी में देखा था कि इस तरह के हमले हो जाते हैं तो फिर उसके बाद मैंने ब्रेक मारने को मनीष से कहा तो उन्होंने सामने गाड़ी लगा ली वो एक स्विफ्ट डिजायर थी उसमें एक लड़का बाहर निकला हुआ था खिड़की से और वो प्रॉपर प्रिपरेशन से थे उन्होंने डिग्गी खोल रखी थी अगर हम जवाबी हमला कर दें तो उनके बचाव में डिग्गी रहे डिग्गी उन्होंने खोली हुई थी डिग्गी उन्होंने ओपन कर रखी थी फिर उसने वहां से फायर की जो फायर हमारी गाड़ी के नंबर प्लेट पे आके लगी और हम नीचे झुक गए तो दो उन्होंने हवा में भी फायर की अलग अलग वेपन से और क्योंकि शीशा हमला अचानक सब कुछ हुआ फिर हमने आगे बढ़ाने की जगह यू टर्न ले लिया गाड़ी का और वापस एक गांव है सेफ कासिमपुरा वही नजदीक में चार हम उस गांव में अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और गोली चलते मैंने यहां के एसएसपी को फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे इस नंबर की गाड़ी है नंबर शायद मैंने बाद में बताया पहले मैंने गाड़ी बता दी और मैंने बताया कि मेरे ऊपर हमला और मुझे गोली लगी आपने खुद ही पी को मैंने खुद फोन करके आपके पास भी क्या कुछ सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा के लिए कुछ था उस समय नहीं देखो मैं पिछले दो साल से लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है और आज का माहौल आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही हैं और तमाम चीजें लेकिन अच्छे अधिकारी यहाँ थे डीएम उन्होंने भी इस बात को कंसिडर नहीं किया जबकि एलआई ने रिपोर्ट दी थी कि नहीं उनको थ्रेट है दो साल से आपने खुद अप्लाई किया हुआ लाइसेंस के लिए अपने नाम से इन योर नेम तो उन्होंने उसको टेक्निकल वो करके नहीं किया और सुरक्षा के लिए मैंने यहाँ के डीजीपी को गृह मंत्री जी को मुख्यमंत्री जी को सबको लिखा लेकिन मैं समझता हूं ना कि देश में जाति और जिस जाति में पैदा होना ही अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा फर्क उनको पड़ेगा जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ जिनको मेरी जिन मुझसे उम्मीद है वो मुझे नहीं मारना चाहते वो उस उम्मीद को मारना चाहते हैं आपने एक बात अभी जाति की कही ये जो अटैक हुआ है क्या ये फैक्टर है क्या उसके पीछे जाति का फैक्टर देखो आज हमारे लोग अन्याय खिलाफ लड़ने लगे हैं हक के लिए आवाज उठाने लगे पहले गांव देहात में जिस जिन मामलों में मुकदमे दर्ज नहीं होते थे तो और पंचायतों के रेप जैसे मामलों में वहीं की भी बात खत्म हो जाती थी मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ मैं जानता हूँ लेकिन आज वहाँ मुकदमे दर्ज होते हैं लोग जेल जाते हैं बड़े बड़े जो माफिया है उन पर कार्रवाई होती है तो उनमें एक पीड़ा तो है ही उनको लगता है उनका हक छिन गया है कमजोरों की बेटियों की इज्जत लूटना उनको क्लियर करना चाहूंगा आ, आप इस समय लाइव जा रहे हैं आपको ये लगता है कि ये चंद्रशेखर आजाद पर जो अटैक हुआ जाति फैक्टर के चलते हुआ हाँ, जाति का फैक्टर है क्लियर है देखो जो लोग कल तक सर नीचा करके चलते थे आज मूछे रख के सर उठा के चल रहे हैं तकलीफ तो लोगों को होगी ही वो तो आज भी उसी व्यवस्था में जीना चाहते हैं जिसमें बहुत लंबे समय से, से जीते आ रहे हैं जहाँ यहाँ के जो किसान हैं कमेरे हैं कामगार हैं दलित शोषित हैं मजदूर है मजलूम है उनको आग उठा के चलने का अधिकार है तो ऐसा कोई इनपुट मिला है क्या पुलिस जांच कर रही है तीन लोगों को संदेह के आधार पर उठाया भी है कुछ ऐसा इनपुट मिला है की टारगेट करने की वजह जाति का फेट मैं पहले देखना चाहूंगा कि की पुलिस किन लोगों को अरेस्ट कर पाती है मैंने कहा ना कि मुझे भरोसा है अगर इस बार मेरा भरोसा टूटता है तो मैं फिर ये मान लूंगा कि पुलिस और सरकार दोनों उनकी मिली भगत से ही हुआ है क्योंकि आपके पुलिस है इंटेलिजेंस है आपके पास कोई इनपुट नहीं है कि कोई इस तरह की गाड़ी बार बार घूम रही है उस उसपे इस तरह के हथियार हैं या इस तरह कोई व्यक्ति है जो हमला कर सकता क्या है क्या इनपुट है पुलिस के पास क्या इनका इंटेलिजेंस है ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है मेरे जैसे व्यक्ति पे हमला होता है तो आप सोचो आम गरीब कमजोर आम किसान आम कामगार गांव में कैसे रह रहा होगा तो ऐसे तो कोई भी किसी को आके मार के चला जाएगा मेरा ये मानना है मेरी मेरी हत्या के पीछे एकमात्र मकसद मुझे नजर आता है कि जो अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता हूँ उस लड़ाई को लोगों को पसंद नहीं आ रही है और जो मैं एकता बनाने का प्रयास कर रहा हूँ हर किसी किस लड़ाई पहल की लड़ाई को चाहे हमने पहलवानों की लड़ाई हो पहलवानों की लड़ाई हो या सम्राट मीर फोजी का मामला हो या किसानों को मामला अभी नोएडा अथॉर्टी में होके आया तो जिस तरह से सभी लोगों पे जैसे एक हमारे में एक घटना आपको याद दिलाता हूँ आपकी जानकारी में नहीं होगा आज आपके तो हमारे मेरे माध्यम से आपके दर्शक सुनेंगे हमारे एक साथी थे राकेश पासवान

संविधान को मानने वाले लोग तो मैं इन धमकियों से नहीं डरता हूँ जिस दिन मौत आएगी किसी पर रुकेगी नहीं और जब तक नहीं आती मैं जाऊंगा नहीं आज की तारीख में आपकी बात कोई सिक्योरिटी है क्या मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ मैं आपके घर पे हूँ कोई सिक्योरिटी यहाँ की जिले की फोर्स पुलिस ने जिले के अधिकारियों ने चार पांच सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की है, किया हुआ है? हाँ. अभी के लिए नए अग्रिम आदेश से पहले वो भी इसलिए क्योंकि हमारे हमारे लीडर्स जो हैं उनकी ये मांग थी कि जब तक गिरफ्तार ना हो जाए कम से कम तब तक तो आप इस तरह का वो करो क्योंकि और तो ज्यादा उम्मीदें नहीं है आपको इस बात का अंदेशा है कि आगे भी टारगेट किया जा सकता है आपको मैं अंदेशों पर नहीं जीता हूँ मुझे ये पता है कि जब तक कुदरत ने जिसने मुझे जिंदगी दी है जब तक वो मुझसे जो काम लेना चाहती है पूरा नहीं होगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा थोड़ा पोलिटिकल बात भी कर लें विपक्ष के इतने नेताओं ने आपके लिए आवाज उठाई अखिलेश यादव ने उठाई कम्युनिस्ट पार्टियों से उठी दूसरी और पार्टियों से उठी ये हर कोई पूछ रहा है कि बहन मायावती जी की ओर से आवाज नहीं उठी ये एक सवाल एक एक यक्ष प्रश्न सा बन गया देखो जो मुझसे प्यार करते हैं जैसे जयंत भाई ने मुझे फोन करके मेरे हाल पूछे जैसे अखिलेश भैया ने पूछे राहुल भैया ने पूछे अखिलेश जी का फोन आया था सभी के फोन आए राहुल गांधी का हाँ, सबके फोन आए सबने पूछा ये बड़ी बात आप कह रहे हैं राहुल गांधी का ही फोन आया अखिलेश यादव का फोन आया और जयंत चौधरी का फोन आया देखो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं हमारे अलग अलग पार्टियां हो सकती है लेकिन आज सब में ये वो है जैसे किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है या गलत हो रहा है तो विपक्ष मिलकर आवाज उठाता है वो भी जानते हैं कि मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो उन्होंने सबने मेरे हालचाल भी जाने और ये मुझे आश्वस्त भी किया हम लोग साथ हैं और बहन मायावती जी का फोन नहीं है आपके पास कोई ट्वीट भी नहीं आया ये सवाल उठ रहा है कुछ लोग बात करके आशीर्वाद देते हैं कुछ लोग बिना बात करे आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद दिया उन्होंने मानते हैं आप आ, उनकी चुप्पी में भी आशीर्वाद ही आप इस बात को समझो माँ का प्रेम जो होता है वो नेचुरल होता है प्राकृतिक होता है वो दिखता है थोड़ा है मगर वो होता है माँ समान कह रहे हैं बहन मायावती जी नहीं वो वो हमारी बड़ी है उनको मुझसे बहुत प्यार है मैं देखो कुछ मजबूरिया उनकी हो सकती है लेकिन सच ये है वो भी चाहती हैं अच्छा उनकी जिंदगी भी तो ऐसी रहेगी उनके पास कितने हमले हुए तमाम तरह से मुसीबतों का सामना उन्होंने किया बहुत बड़ी बात है आपके मन में उनके लिए कोई गिला कोई शिकवा नहीं है उल्टे आप कह रहे हैं कि वो मां समान है देखो मैं तो ये देख रहा हूँ जो यहाँ लड़ रहा है उसको अन्याय का गुरु सिंह जी अभी जेल रह के आए बहुत सारे हमारे साथी मुसीबतों का सामना करे बहुत सारे कार्यकर्ताओं की हत्या होती है मैं भी उनमें से एक कार्यकर्ता हूँ इस मिशन का मैं तैयार हूँ हर कीमत चुकाने के लिए लेकिन मैं इस अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है गैर बराबरी के खिलाफ जो लड़ाई मैं इससे पीछे नहीं हट सकता हूँ मैं जब हरमिंदर साहिब जाता हूँ मत्था टेकने तो वहां के जो हमारे जत्थेदार साहब मैं उनसे भी यही कह के आता हूँ उनसे मैं पूछता हूँ कि हमारे गुरुओं ने कैसा जीवन जिया तो उन्होंने कहा कि आप सत्य के लिए लड़ते रहिए आप कभी सत्य के, की राह मत छोड़िए आप कमजोरों की आवाज बनिए महापुरुषों का आशीर्वाद पे बना रहेगा आज मैं जिंदा हूँ तो इन लोगों की वजह से हूँ मेरी करोड़ों माए करोड़ों बहनें मेरे सम्मान बुजुर्ग मेरे छोटे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं अब विश्वास करो मुझे क्या मेरे पास लोग कम है मुझे फोन नहीं आया मुझसे नहीं कहा लोगों ने कि हम क्या करें बता दीजिए मैंने सबसे ही कहा ये लोगों ने पूछा कि हम क्या करें आदेश दीजिए मतलब आक्रोश के तहत बहुत आक्रोश है यहाँ के अधिकारियों को पता है गाँव गाँव में मुंह भी इकट्ठा हो रहा था अगर मैं शांति की अपील नहीं करता तो हो सकता है सहनपुर में कुछ और हालात होते देश में कुछ और हालात होते मैं मैं अपनी जिम्मेदारी को समझ उनकी शांति की अपील की थी मुझे अच्छी तरह ख्याल है आपने शायद उस बेड से ही शांति की अपील आपने कर दी थी अभी भी तकलीफ हो रही है मेरे ख्याल से हाँ सूजन है जख्म तो है तो। आक्रोश इतना था कि ये हालात खराब हो सकते थे जिसको वो जिसमें वो अपना भविष्य देखते हैं जिससे वो अपना भाई मानते उम्मीद देखते हैं अगर आज उसकी जान को खतरा है तो उनको तकलीफ क्यों नहीं होगी तो मैं मगर मैंने अपील इसलिए की क्योंकि मैं संविधान के रास्ते चलना चाहता हूँ हम लड़ेंगे कल मैं भरतपुर जाऊंगा एम्बुलेंस के जरिए जाऊंगा मैं डरूंगा नहीं कल आप फिर भरतपुर जा रहे हैं इस हालत में हाँ मैं डरूंगा नहीं मैंने डरना सीखा ही नहीं है मेरा नाम आजाद है मैं मान लिए जा रहे हैं भरतपुर हमारा सम्मेलन है हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की है आजाद समाज पार्टी का सामाजिक न्याय सम्मेलन है उसमें हमारे बहुत सारे सीनियर लोग भी आ रहे हैं गुरु नाम सिंह चढ़ू जी भाई है। मैं उनसे भी अपील करूंगा किसानों के बड़े नेता वो भी आए भैया से बात नहीं न्यूज एंटी से उनको मैं बुलाता क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत समस्याएं चल रही हैं पुलिस से जाएंगे जायेंगे हाथ जाऊंगा लेकिन जाऊंगा जरूर उन लोगों को बताने के जिनको लगता है की गोली से मैं डर जाऊंगा कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक तो नहीं डरूंगा और मैं इस लड़ाई को तब तक जारी रहूंगा रखूंगा जब तक बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम चौधरी चरण सिंह जी और हमारे गुरुओं संतों का मान्यवर काशी राम साहब का सपना पूरा नहीं होता तब तक मैं इसे जारी रखूंगा कुछ और बताइए कि चढ़ूनी साहब आए आपने जिक्र किया और हम यहाँ वाकिफ भी हैं राकेश टिकैत साहब का कोई मैसेज कोई संदेश हाँ भैया भैया आएंगे शायद और वो बहुत प्रेम करते हैं उन्होंने अपनी अपना संदेश भी दिया देखो मैंने कहा नरेश भाई का भी मैंने संदेश सुना कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे प्यार ना करता हो जिसको मुझ में जो है मेरी पीड़ा से पीड़ा ना हो आपके समर्थक ये भी कह रहे हैं कि महापंचायत होगी अगर इसमें इंसाफ नहीं मिला इसमें असली पकड़े नहीं गए जो इसमें गुनागार हैं तो महापंचायत होगी बाकायदा वो इस तरह की बातें भी सामने समझाऊंगा कि हम पे संवैधानिक रास्ता है महापंचायत का मतलब भी आंदोलन ही है अगर आप सोचे हमारे यहाँ कमिश्नर साहब कुत्ता चोरी हुआ और तीन चार घंटे में कुत्ता बरामद हो गया अगर आप इंसान बरामद नहीं कर पा रहे हो गाड़ी है उनके चेहरे भी एक दो लोगों के दिखाई दे गए हैं अगर फिर भी पुलिस नहीं कर रही है या इसकी इंटेंशन से ना करना चाहे सरकार का दबाव तो फिर मैं समझूंगा कि ठीक है तो फिर अपने जरिए कोशिश करेंगे कि लड़ाई को आंदोलन को मजबूत किया जाए क्योंकि आदित्यनाथ से आपकी इस आप मामले में आवाज सुनना इतना आसान नहीं है उसकी आवाज सुनाने के लिए ना हमें बार बार सड़कों पर आना पड़े ये ये ऐसी स्थिति है कानून व्यवस्था ऐसी सरकार है जहाँ रेप होने पे भी धरना करो तब मुकदमा लिखाया था भी धरना करो तब चंद्रशेखर भाई योगी आदित्यनाथ से इस सिलसिले में आपको क्योंकि आपने जो लिखा है पोस्ट लिखा सोशल मीडिया पर और एक बार ये त, ये भी दिखाइएगा राजेश की अभी भी जो स्थितियां हैं इनकी अभी बैठना बहुत ही मुश्किल हो रहा है चूंकि अटैक हुआ है बाकायदा फायर किया गया है चंद्रशेखर एक बात मुझे और बताइए योगी आदित्यनाथ को लेकर के आपने जो लिखा सोशल मीडिया ने पढ़ा क्या कुछ व्यक्तिगत नाराजगी है योगी आदित्यनाथ से आपकी वो तो देखो मैं भी उनके लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं ना और मैं इतने बड़े संगठन को चलाता हूँ अपनी पार्टी का क्या एक सिंगल शब्द नहीं था उनके पास बताते कि उनकी कानून व्यवस्था इसी की तो पीठ थपथपाते हैं ना एक ये तो बताते कि उनके राज में अगर मेरे जैसे व्यक्ति के जिसके साथ इतने सारे लोग हैं तो आम आदमी की क्या हैसियत है यहाँ उसको चाहे गोली मारो या लटका के मार दो तो कानून व्यवस्था है इससे सहमत नहीं हूँ देखो हमने अतीक अशरफ का सुना लोग तब कहा कि भाई माफियाओं को मरना चाहिए तब भी हमने कहा कि कानून कोर्ट्स हैं कोर्ट उनको दो बार फांसी चढ़े हमें तकलीफ नहीं है लेकिन ये गोली की भाषा ठीक नहीं है संजीव जीवा की हत्या हुई और मैंने राकेश पासवान का आपसे इसलिए जिक्र किया कि हमारे कार्यकर्ता तो मर रहे हैं लगातार हमले हो रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश का एक जिला अध्यक्ष मरा मैंने इसलिए मुझे एहसास है कि उनको ये लग रहा है कि और ताकत बढ़ रही है तो जड़ को ही खत्म कर दो आपने एक बड़ी बात अभी कह दी है आपने अतीक का जिक्र किया अशर का जिक्र किया संजीव जीवा का जिक्र किया और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद पर अटैक ये क्या किसी संकेत है ये सारी बातें किसी खास तरफ संकेत है ये जो सिलसिले बार आपने जिक्र किया देखो जिन लोगों से राजनीतिक दुश्मनी है सरकार उनको भी हटा रही है और जिन लोगों की वजह से रोज सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार उनको भी हटाना चाहती है मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री बताएं कि ये उनकी कानून व्यवस्था है जहां सरेआम गोलियां चल रही हैं इसी के लिए पीठ सपाते हैं इसी के इसी के लिए बड़े बड़े मुख्य गृह मंत्री जाके उनको कहते हैं कि भाई एनसीआरबी का डाटा उठा दे चंद्रशेखर मर जाएगा तो क्या होगा मैं तो कह रहा हूं एक चंद्रशेखर मरेगा एक लाख चंद्रशेखर पैदा होंगे क्योंकि चंद्रशेखर आज चंद्रशेखर व्यक्ति नहीं है ना वो उन लोगों की उम्मीद है तो उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है देखो शहीद अजम भगत सिंह ने कहा व्यक्ति को मार के विचार की हत्या नहीं की जा सकती तो मैंने तो इन लोगों को लड़ना सिखाया है और ये लड़ेंगे आप देखना इतनी मजबूती से लड़ेंगे कि हर ताकतवर जो गुलाम समझ बैठा लोगों को उनकी उनकी ना चूल हिल जाएंगी एक बात समझ में नहीं आई आपने एक और बड़ी बात कह दी आपने जिनसे राजनीतिक दुश्मनी है उनको भी सरकार हटाना चाहती है तो आपसे भी तो राजनीतिक लड़ाई है सरकार की मैं तो उनके खिलाफ लड़ा मुख्यमंत्री जी के ये अपने लिए कह रहे हैं क्या शायद भविष्य में भी ऐसा लगता है कि ना रहे तो लड़ेगा ही नहीं तो मैं तो मैं नहीं मैं मानता हूं कि कुछ अच्छे काम उन्होंने किए लेकिन जब वो कुछ उनके राज में अच्छा काम नहीं होगा तो उनकी आलोचना भी उनको सहनी पड़ेगी अब अगर आलोचना और आपका कोई विरोध होगा तो उसका गोलियों से अगर आप स्वागत कराओगे तो ये अच्छा नहीं है मैं चाहूंगा कि वो कानून व्यवस्था अच्छी हो और अच्छी होगी तभी लोगों को फायदा होगा गोरखपुर में लड़े थे गोरखपुर का इलेक्शन आप लड़ा था बड़ा चर्चित रहा था गोरखपुर का चुनाव तो आपने उसका भी जिक्र कर दिया इस इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ मतलब इन बातों का, का जिक्र किया हा, मैंने हाँ जिक्र किया मैंने उनका आपने गोरखपुर का जिक्र किया हा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जिक्र क्या किसी खास संदर्भ में आप कर रहे हैं या आपको व्यक्तिगत पीड़ा है इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि वो कानून व्यवस्था अच्छी करें क्योंकि उनको सरकार चलानी है नहीं करेंगे तो जनता उखाड़ फेंकेगी जनता ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेगी जनता अच्छा आज क्या मैसेज गया मेरे ऊपर गोली चलने से ये तो मैंने कहा ना ये आशीर्वाद ना होता महापुरुषों का मेरी माओ बहनों का हमारे भाइयों का तो मैं तो मर जाता लेकिन इससे क्या संदेश जाता वो यही तो कह रहे हैं ना कि कोई कमजोर खड़ा हो के हक की आवाज ना उठाए ये तो संदेश देना चाह रहे हैं इसके अलावा क्या संदेश है ये कि अगर कोई आवाज उठाएगा तो मार देंगे मैंने कि किसी का मैं तो कोई एक सिंगल आदमी आए सामने से बताया कि मैंने मेरी वजह से किसी को नुकसान हुआ हाँ मेरी वजह से लाखों लोगों को फायदा जरूर हुआ होगा आज जब तैतीस साल जेल में बंद थे नोएडा में और मैंने कहा कि चाहे कुछ हो जाए दो घंटे में मैं ताला लगा दूंगा अगर किसान नहीं छोड़े गए तो वो छूट गए तो उससे किसका नुकसान हुआ ऑथरिटी पे अगर किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और मैं उनकी आवाज उठा रहा हूं तो किसानों का फायदा हो रहा है तो इसमें किसी का नुकसान थोड़ा ही है आप दोनों हाथों से लूट रहे हो सरकार में बैठ के सेंटर से भी और स्टेट से भी का किसानों को कामगारों को नौजवानों को महंगाई के, सब जगह से लूट रहे हो तो जवाब तो देना पड़ेगा ना बस तो आखिर मुझे और बता दीजिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको बैठने में काफी तकलीफ हो रही मैं देख रहा हूँ बस बस एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा ये कि ये जो कुछ हुआ है चंद्रशेखर भाई और अब जो है आपकी आप भरतपुर जा रहे हैं इसके बाद भी और दो ठीक सामने है तो दो में जो आपकी तैयारी है जरा वो भी बता दीजिए और ये जो हुआ है क्या इसका भी कुछ दो की तैयारियों पर असर पड़ेगा मैं अभी थोड़ा सा राजनीतिक बात करने की उसमें नहीं हूँ मुझे भी मानसिक आघात पहुंचा है कि अगर ये कानून व्यवस्था और ये लोकतंत्र में इस तरह की भाषा से बात होगी तो मुझे अपने साथियों की फिक्र है मुझे उन साथियों की फिक्र है जो देश में लड़ रहे हैं हमारे और भी साथी लीडर्स हैं जो विपक्ष की भूमिका में लड़ रहे हैं मुझे उनकी भी चिंता है कि उनके साथ ही हादसा ना हो जाए इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और मैं ये भी कहूंगा मेरी छोड़िए लेकिन जो हमारे लीडर्स हैं और अन्य अन्य पार्टियों के जिनको उतना बड़ा प्रोटोकॉल नहीं मिला और वो अच्छे लीडर्स हैं उनके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं उनको सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए सुरक्षा की भी करते हैं अपने नहीं मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं मेरी सुरक्षा करने के लिए लोग बहुत आपको हैं। सुरक्षा नहीं चाहिए इसके बाद भी मैंने कहा ना मैंने तो अपनी बात लिख के दी थी तो उनको लगा जरूरत नहीं है अब भी मैं जब जब तक अब तक संभाल के रखा मेरे संत गुरुओं के आशीर्वाद से तो मैं अब भी संभाल लूंगा मैं फिर कह रहा हूँ जिस दिन जाँच आएगी ना मैं तो कहता हूँ ना अगर किसी को कोई और भी कोई संदेह हो जैसे दबी आवाज में कुछ लोग कह रहे हैं तो इसकी इतनी ठोस जांच कराओ कि पता लग जाए आपको कौन लोग है मैं तैयार बैठा हूं क्योंकि मुझे पता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है और मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूं मैं इस देश के उन गरीबों के लिए लड़ रहा हूं जिनको आज भी बुनियादी अधिकार और सुविधाएं नहीं मिली है जिनको इंसान भी नहीं समझा जा रहा है मुछे रखने पर घोड़ी चढ़ने पर अपनी खेत पे काम करने पर जिस तरह से लूट मारी और हत्याएं हो रही है जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है ये बर्दाश्त के लायक नहीं है आज आजाद भारत में बदलना चाहिए बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए तो चंद्रशेखर आजाद हैं अभी भी जो जो फायरिंग हुई है उसका असर साफ दिख रहा है उठने में बेहद तकलीफ हो रही है और साथ के लोग सहारा दे रहे हैं देखिए इस तरह से यहाँ से हटते हैं इस तरह से इनको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर यहाँ लेटाया जा रहा है अभी भी स्वस्थ नहीं हुए हैं लेकिन जो सात के लोग हैं सहयोगी हैं वो यहां दूर दूर से पहुंच रहे हैं पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद ने क्लियर कहा है कि कोई सुरक्षा नहीं चाहिए और सरकार पर सीधा अटैक किया है कि जो खिलाफ बोलेगा या जो आपसे राजनीतिक असहमत होगा क्या उसका ये हाल होगा ये सवाल खड़ा किया है